I welcome all of you on platform of your PD education and uh, you are watching the series of videos which we have started for Airport Authority of India exam. You know, uh, airport authority may do types ke seats majority jo hain, ek airport operations and ATC. In airport operations there are two topics aviation related terms and general principle of business management. So let me tell you again these two topics are very important. Current affairs related to airport authority and uh, your PDI has done extensive actually analysis of these two topics and maan ke chalo 20 plus question यहाँ से e-book में से आएंगे जो e-book हमने आपको बनाया है दिया है उस e-book को go through कर लो detail में वहाँ से question आएंगे बहुत extensive है वो and keep learning these particular things also एंड uh, you know, वो आपका डिफरेंस uh, डाल सकता है बिकॉज वन ट्वेंटी में से ट्वेंटी फोर क्वेश्चन आर फ्रॉम दैट पार्ट सो यू अंडरस्टैंड कट थ्रोट कंपिटिशन है और एक एक मार्क इंपॉर्टेंट है ऐसे में आप ये 24 फोर क्वेश्चन जिनका सिलेबस बहुत नहीं मिलता तो यू नीड टू बेसिकली गो फॉर दैट इनका सिलेबस बहुत ज्यादा आपके पास अवेलेबल नहीं होता है तो हमने उसको काफी एक्सटेंसिवली सिलेबस को कवर किया है सो प्लीज गो थ्रू दैट ई बुक वाला पार्ट एंड उसको रिविजन करो एंड लेट मी नाउ गो आज के लेक्चर में आई एम गोइंग टू डिस्कस एज आई एस टेलिंग यू एयरपोर्ट ऑपरेशन में पार्ट ए पार्ट बी में कुछ टॉपिक्स हैं पार्ट ए और पार्ट बी में टॉपिक्स जो बेसिकली एविएशन रिलेटेड इन दिस पर्टिकुलर पार्ट सो रिकेपिचुलेशन लेक्चर है ये यू विल एंजॉय जो टन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर एंड आई एम वेरी श्योर यूल स्पेंड दिस एंड आर अप्रोक्सिमेटली विद मी एंड लर्न मेनी थिंग्स इन दिस सो लेटमी टेल यू देर आर सम न्यू टर्म्स विच आर बीन एडेड तो इस बार जो सिलेबस है उसमें ये जो मैंने रेड कलर में मार्क किया है दीज आर द न्यू एडिशन बेसिकली टॉपिक सेविल से

क्वेश्चन आएगा तो बीसीएस का फुल फॉर्म है क्या आंसर इज ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी दिस इज द टर्म विच इज रिलेटेड टू सिविल एविएशन सिक्योरिटी इंडियन स्पेसिफिक बॉडी है ये ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ओके बी इज अटैच टू व्हाट इनमें से कौन सी बॉडी के साथ बी इज अटैच एंड मी टेल यू यू शुड हैव सम नॉलेज अबाउट DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये सारे रिलेटेड टर्म्स हैं। सो अटैच्ड टू मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ओके व्हाट इज बी है क्या रेगुलेटरी बॉडी है एडवाइजरी बॉडी है स्टेचुटरी बॉडी है या कंस्टिट्यूशनल बॉडी है देखो जो स्टैचुटरी बॉडी है दैट इज मेड थ्रू सम लॉ ऑफ पार्लियामेंट कंस्टिट्यूशनल बॉडी है जो कंस्टिट्यूशन में एक आर्टिकल में है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट देर कंस्टिट्यूशनल बॉडीज स्टेचुटरी बॉडीज आई आई टीज आर क्रिएटेड बाई पार्लियामेंट तो आई आई टी स्टेचुटरी बॉडी है और एडवाइजरी बॉडी जो एडवाइज करता है नीति आयोग वो एडवाइज करता है प्राइम मिनिस्टर को एंड रेगुलेटरी बॉडी जो रेगुलेटरी सेंसर बोर्ड उसको रेगुलेटरी का काम दिया गया है सो so ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए एंड बीसीएस इज एक्चुअली रेगुलेटरी बॉडी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी इज अटैच्ड ऑफिस इन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन

Uh, ये अटैच है क्या बॉडी है रेगुलेटरी बॉडी है तो इन तीनों का आंसर इसके अंदर है ब्यूरो ऑफ एविएशन सिक्योरिटी अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन का और ये रेगुलेटरी बॉडी है सेम क्वेश्चन मेरे को ये बताओ डीजीसी ये क्या है स्टेच्यूटरी है रेगुलेटरी है कॉन्स्टिट्यूशनल है मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन क्या है सो यू शुड नो दीज पर्टिकुलर थिंग्स ऑल्सो ओके विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल सिविल एविएशन सिक्योरिटी नेशनल बिकॉज हम अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं ग्लोबली बात नहीं कर रहे हैं यू नो दैट सिविल एविएशन एक ग्लोबल बेसिकली प्रोफेशन है सिविल एविएशन एक ग्लोबल प्रोफेशन है पूरे वर्ल्ड में एक्चुअली uh, लिंक्ड होता है ये सो so, कुछ तो हम ग्लोबल बॉडीज की बात करते हैं कुछ हम नेशनल बॉडीज की बात करते हैं लाइक डी इज अ नेशनल बॉडी सिमिलरली दिस हमने जो बात किया बी इज द national body nsa national security agency is basically national body so which of the body is uh, uh, related to civil aviation security answer is bcas security is the term here dgcna but bcas so it is headed by an officer of the rank of dg police director general of police and is called as director general of bureau of civil aviation security director general bcas is called and is the appropriate authority for implementation of annexer 17 what is annexer 17 question can come from that also attachment annexer 17 is related to safeguarding international civil aviation against acts of unlawful interference so this is annexer 17 to chicago convention on international civil aviation organization i told you civil aviation may there are certain bodies which are national

held this chicago convention in which some annexer some details were there under that annexer document it is mentioned that every country should have some security agency related to civil aviation and that security agency in india is called bcas so have you understood the story now bcas is added in your syllabus डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रैंक का आदमी बीसीएस का डायरेक्टर जनरल होता है और बीसीएस अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में एंड इट वाज क्रिएटेड एज पर शिकागो कन्वेंशन विच वाज अंडर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन लार्जेस्ट बॉडी रिलेटेड टू सिविल एविएशन एंड दिस रिलेटेड टू सिक्योरिटी ओके एंड वट इज मेन बेसिकली प्रायोरिटी ऑफ बीसी

ट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एवियेशन गैस मारो इज इट रेगुलेटरी बॉडी एडवाइजरी बॉडी स्टैच्यूटरी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो नहीं लगती है बिल क्या होता है बिल इज नथिंग बट एक्ट ऑनली जब बिल को प्रेजिडेंट सिग्नेचर कर देते हैं तो वो एक्ट बन जाता है सो बिल इज मेड इन पार्लियामेंट यानी Basically law is first made as a bill, document. That bill goes to other house of the parliament, to the president once it is signed and it comes to the Gazette of India, then it becomes act or law. So before act, it becomes bill. So aircraft amendment bill 2020 is very important. A current mein question hai. इन द करंट अफेयर फ्रॉम दिस पार्ट सो एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल टू जीरो टू जीरो सो दिस बेसिकली डीजीसीगेटन एक्सीडेंट एंड इंसीडेंट्स कोई भी एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो उसकी डिटेल इंक्वायरी सिक्योरिटी से रिलेटेड कौन है बीसीएस एंड एक्सीडेंट्स वगैरह ना हो एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ डीजीसीड ऑफिस अरविंदो मार्ग दिल्ली में हेड ऑफिस है एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल about it आई विल डिस्कस अबाउट इट इन द करंट अफेयर of स्टिल योर एग्जाम डेट ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी है बेस्ट टाइम फॉर यू मोमेंटम बढ़ा के रखो बस दिन रात पढ़ते जाओ अगर जॉब चाहिए कुछ भी छोड़ो मत कुछ भी चीज मत छोड़ो सब कुछ तैयार करके जाओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू रिप्लेस DGCA. Yes, very important. वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इज प्लानिंग दैट dgca director general civil aviation will be replaced by this body so that similar body is existing in america also and government is planning to replace that so read this entire story here entire novel I have given you to read government of india is planning to replace the organization with civil aviation authority modeled on the line of american federal aviation authority director general civil aviation is attached office in the ministry of civil aviation so DGCA is also attached office. Understand? So, DGCA story A bunny. DGCA will be replaced by CAA. CAA is on the line of American FAA. Have you understood the story now? The government is planning to replace DGCA with Civil Aviation Authority. DGCA will be replaced by CEA and CAA is on the line of FAA. And DGCA is attached office in Ministry of Civil Aviation. So this will be a autonomous regulatory body which will replace the DGCA. So CAA will be what? Regulatory body. DGCA is what statutory body. So you should understand the meaning of it. Regulatory body. And it should meet the standards set by ICAO. यूनाइटेड नेशन का बॉडी है आईसीएओ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इज द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू सिविल एवियेशन यूर सी ए का क्या काम होगा सेफ्टी इकोनॉमिक रेगुलेशन ग्रीवेंस रिजोल्यूशन एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट एवरीथिंग विल बी देयर करंटली डीजीसी इज अंडर स्टाफ डज नॉट है रिक्वायर्ड पावर सी ए एल है पावर सिमिलर टू एफ ए ए लेटमी टेल यू As the aviation एज द एवियेशन सेक्टर इन इंडिया पीपल परचे पावर के पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा अभी तो वो पेट्रोल के ऊपर चला जा रहा है सारे का सारा लेकिन जब लोगों की जेब भर जाएगी जैसा मोदी साहब ने बोला था कि सब लोग अमीर हो जाएंगे हमारे पैसे आ जाएंगे जेब में जब पैसे आ जाएंगे तो हम लोग उड़ान भरेंगे गरीब लोग हमारे जैसे गरीब लोग विल स्टार्ट फ्लाइंग इन द एरो अमेरिका अदर क्लास में आई डिस्कस विद यू के मैक्सिमम जो टॉप फाइव एयरलाइंस हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पैसेंजर्स कैरिंग वो यूएस में कि जैसे अगर आपको लड़से हंड्रेड किलोमीटर डिस्टेंस पे भी जाना है तो आप बाई प्लेन जा रहे हो तो दैट काइंड ऑफ

and environmental department. So this all powers which FAA has. So we are copying what America may a body is doing. Maybe that is doing good job. So if that is doing good job, why we should not copy something like that. We are planning. Okay, who is DG of DGCA? Ganpati, to aapne discuss kiya is not of DGCA. Arun Kumar is director general of DGCA, right? ओके व्हाट इज एफएए ए फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ये भी तुम्हारी लेटेस्ट टर्म ऐड हुई है तो तुम्हारी एक टर्म जो ऐड हुई है वो एफ ए ए है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा लार्जेस्ट मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एजेंसी एंड गवर्नमेंट बॉडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट ट्रांसपोर्टेशन वहां पे जैसे इंडिया में जब मैं बोलता हूं ट्रांसपोर्टेशन तो दिमाग में क्या आता है बस बैलगाड़ी नहीं आती है बस आती है राइट right? बस आती है और ट्रेन आती है जहां पर ट्रेन चलती है तो ट्रांसपोर्टेशन आंख बंद करो थिंक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज कमिंग टू योर माइंड सर बस टांगा बैलगाड़ी अंडरस्टैंड सो जब अमेरिका में आंख बंद करते हैं ट्रांसपोर्टेशन दिमाग में क्या आता है हवाई जहाज हेलीकॉप्टर अंडरस्टैंड दैट इज सो अब इंडिया में भी जब हम आंख बंद करें व्हेन वी क्लोज अवर आईज ट्रांसपोर्टेशन व्हाट शुड कम टू योर माइंड रॉकेट इनसेट You understand communication satellite no i'm not talking about that transportation what should come to the mind aeroplane aviation sector so faa is the largest modern transportation agency and government body control body on the line of faa we should have caa we should have caa which will replace dgca i'm sure you people are understanding and enjoying my lecture with power to regulate all the aspects of civil aviation and surrounding international waters so international waters you understand america if you see is a continent pacific ocean atlantic ocean all these things so it is surrounded by water so this has some authority in that particular up to some nautical miles also construction and operation of airport air traffic management certification of personnel of and aircraft protection of u.s assets during launch or re entry of commercial space vehicles Power over neighboring international waters were delegated to FAA by authority of International Civil Aviation Organization. So this ICAO, so powers over neighboring international waters, international water may, were delegated to FAA. FAA is a very big body, I told you. Authority uh, by ICAO. You should be very clear about ICAO, internationally control controlling body, and FAA, American. When was FAA created? Sir, 1958. It replaced Civil Aviation Administration, CAA, Civil Aeronautics Administration, and later became agency with US Department of Transportation, and it is based in Washington. So you see, FAA replaced CAA. Now we want to replace DGCA with CAA on the lines of FAA. So this CAA and that CAA are different. India's CAA is different. Hai. ओके सो सुपरवाजर नेम दैट वॉज सर सिविल एरोनोटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन ओके कहां पे है इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन वेन वॉज इट फाउंडेड फिफ्टी एट ये सारे क्वेश्चन कहां से आए फ्रॉम दिस स्टोरी फ्रॉम दिस स्टोरी एंड फोटो खींच लो याद कर लो Now, airport operator joint venture airport operators new term added in the syllabus. Is my lecture may say question Joint venture, venture can be in the domain of airport operators as well as airlines. Some of the names of joint venture in airlines are this you know, joint venture of airports, a yeah, joint venture of airlines, these are two different things. You should talk about joint ventures in airlines. This airline, this airline combined together, joint venture ban gaya. That is also called a joint venture. So joint ventures are basically coming across aviation world. What is the benefit? That way when you do the joint venture, you improve your services. What are the example? Air France, KLM, Alitalia, Delta, right? So Japan Airlines, British Airways, लिंकिंग जापान एंड यूरोप सो यूनाइटेड दिस दिसनाइटेड ज्वाइंट वेंचर अक्रॉस द पैसिफिक, सो डिफरेंट प्लेसिज में डिफरेंट ज्वाइंट वेंचर्स, टाटा सन एंड सिंगापुर एयरलाइंस, यू नो एस आई ए एयरलाइंस टाटा एस आई ए एयरलाइंस एज विस्तारा टाटा का है विस्तारा सो दिस टाटा सन्स का विस्तारा भी है और ये टाटा सन्स एंड सिंगापुर एयरलाइंस का भी ज्वाइंट वेंचर है and uh, these are some of the names so top 10 joint ventures of international airlines are this i, I don't think some question should be asked from here uh, but still these are the joint ventures of airlines Aapka mein joint venture hai, airport ka joint venture but you can think of this also right so these are some international joint venture cell this is now come back to india some airport this joint venture cell some airports are handed over to private operators for operation maintenance development you must have gone to delhi airport and bombay airport right international airport of mumbai chhatrapati shivaji and indra gandhi national airport indra gandhi national airport delhi you will see the names of uh, GMR, GVK, these kind of companies. So these are the private players which are maintaining the airport. Private players maintaining airport. That is a question which is going to come. Joint venture. Now, some airports have been handed over to private operators. For what? Operation, maintenance, development under PPP model. What is PPP model? Public-private partnership. Public means government. Airport Authority of India is a public sector. And private? GMR is a private. पब्लिक प्राइवेट काम करो भाई आप प्राइवेट आ जाओ अपना काम करो और हमारे साथ मिलके डेवलपमेंट उसको अच्छे तरीके से करो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ इन्वेस्टिंग इनटू नंबर ऑफ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट विच आर डेवलप्ड बाय प्राइवेट पार्टीज़ स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट एजेंसीज सो ज्वाइंट वेंचर सेल इज क्रिएटेड टू मॉनिटर द डेवलपमेंट ऑपरेशन ऑफ दीज एयरपोर्ट्स

बैंक अकाउंट कलेक्शन यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स चेक करता है कि ज्वाइंट वेंचर सारा ठीक सेल का ज्वाइंट वेंचर ऑपरेटर्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इट विल कम फ्रॉम हेयर डेली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड is basically the joint venture of gmr group which has 24 54% airport authority of india 26% fraport ag Airman malaysia ka 10% each right so the, who is the, the main lead player in this is gmr so delhi international airport limited whenever you visit international airport delhi next time c g i a l Return some d i a l sorry written somewhere, Delhi International Airport Limited. This is basically the joint venture of GMR Group. What is the GMR Group percentage? 54. Airport Authority of India, 26. Fraport, AG, Airman, that is Malaysia, this is 10% each, right? This is how it is. मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड एम आई ए एल डी आई ए एल एम आई ए एल डी आई ए एल एम आई ए एल में डी आई ए एल में जी एम आर ग्रुप एम आई ए एल में जी वी के ग्रुप ज्वाइंट वेंचर बिटवीन जी वी के ग्रुप देन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड देन सम फॉरेन पार्टनर्स लाइक बिडवेस्ट एंड ए सी एस ए राइट अदानी ग्रुप has completed the acquisition of 23.5% of mumbai international airport limited and this adani group has taken it from acsa global limited and uh, bid service division mauritius and bid west so that is how it is so adani group recently invested in which of the following answer is Mumbai International Mumbai International Airport Limited Adani Group everybody is know Adani Group Adani Group uh, Ambani Group uh, Modi Sab, Mutara Stadium in uh, cricket stadium right so you know that okay Delhi International Airport Limited is the joint venture of what tell me

आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशियंट विच यू शुड नो फॉर दिस एग्जाम सो जस्ट रिमेंबर दिस ओके नाउ कम टू द फादर ऑफ सिविल एविएशन सिविल एविएशन का फादर कौन है कौन सी बॉडी है जो इन सब का बाप है इंटरनेशनल सी एओ आई सी ए का फुल फॉर्म बता दो क्या है कब बनी थी कहां हेडक्वार्टर है टेलमी एवरीथिंग अबाउट आईसीए Okay, sir, ICA full form is international civil aviation organization. What is this, sir? This is the father of all organization, International organization. Okay, good. It is the specialized agency of United Nations. You know, United Nation was created in 1945. World War II ended in 1945. United Nation was created with the purpose that there should not be Third World War. Third World War Nahi Honichiye, Logney and scientists predicted third world war will not be fought between nations they will this will not be fought with the guns this will be fought with virus and that is going on virus covid so that is the world war is already going on by virus international civil aviation organization is a specialized agency of united Nations. nation international air navigation and planning and development of international air transport क्यों सेफ एंड ऑर्डरली ग्रोथ हेडक्वार्टर कनाडा फाउंडेड फोर्थ अप्रैल 1947 पेरेंट यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल रिमेंबर इट रिमेंबर इट वेरी 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 इंपॉर्टेंट बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिलेटेड टू आई सी एके सर आई डोंट नो एयर नेविगेशन सिस्टम कमीशन का पार्ट नहीं है it is not the part of air navigation commission in fact air navigation commission is the part of this which convention chicago convention icao chicago convention you need to think this so what icao council does it adopts the standard practices which are required which are related to air navigation, infrastructure, flight inspection, prevention of unlawful interference and facilitation of border crossing procedure for international civil aviation. So how if there is accident how to investigate that? India may accident scope prevention or air accident key prevention and investigation kaun karta hai, DGCA. ंग टू रिप्लेस डीजीसी विदी सी ए ए सी ए एज डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ एफ ए अमेरिकन एफ ए एज मैं इन दिलेबस राइट सो आई सी एल फैसिलिटेट एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एंड देन सेफ्टी अथॉरिटी तो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं ना इंटरनेशनल ट्रैफिक के दिस इज द प्रोटोकॉल दिस इज द रेफरेंस दिस इज द स्टैंडर्ड आई सी ए बनाता है राइट फॉलोड बाई ट्रांसपोर्ट सेफ्टी अथॉरिटीज विच आर सिग्नेटरी टू शिकागो कन्वेंशन एयर नेविगेशन कमीशन इज टेक्निकल बॉडी विद इन आईसीए तो बाप कौन है बेटा कौन है सर बाप है आईसीए बेटा कौन है एयर नेविगेशन कमीशन तो सिविल एविएशन का बाप कौन है सिविल एविएशन का बाप कौन है आई सी ए बॉडी है यूनाइटेड नेशन का एक कमिटेड बॉडी है ओके इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ व्हाट इज़ द डेजिग्नेशन आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो डेजिग्नेशन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव एक्सेप्ट मी आई डू नॉट नो बट ऑल ऑफ यू आर नोइंग इट ओके सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन का कौन सा होता है सेक्रेटरी जनरल एंड आईसीए किनसी बॉडी है यूनाइटेड नेशन की बॉडी है तो सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन में मिलते हैं डायरेक्टर जनरल कहाँ मिलते हैं इंडिया में मिलते हैं डायरेक्टर जनरल यू अंडरस्टैंड बड़ा नाम सो वो सेक्रेटरी जनरल ऑफ आईसी अरुण कुमार नो इंडियन थोड़े यार कौन होगा फिर ओके चाइनीज फांग ल्यू फांग ल्यू डॉक्टर फांग ल्यू सेक्रेटरी जनरल देखो भाई फांग ल्यू हैं तीन साल के लिए ये बने हैं दोबारा बन गए ये कंजीक्यूटिव टर्म मिल गई इनको इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया फांग ल्यू ने एवरीवेशन आई ए टी ए टाटा नहीं है ये आई ए टी ए टी नहीं है आई ए टी ए नाम बताओ इसका फुल फॉर्म क्या है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इंटरनेशनल मतलब सारी कंट्रीज एयर ट्रांसपोर्ट जो एयर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बॉडीज हैं उनका एसोसिएशन भाई ये एक ट्रेड एसोसिएशन है एयरलाइंस की जितनी भी इंटरनेशनल एयरलाइंस है ना उनका एक ग्रुप हर आदमी का एक ग्रुप होता है ना वैसे एयर एयर एयरलाइंस के भी ग्रुप है सारी एयरलाइंस मिल गई भी सारी एयरलाइंस मिलके ग्रुप बनाती हैं क्यों भाई कंट्रीज के साथ बारगेनिंग भी तो करनी है सो हु विल टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एयरलाइंस आई ए टी ए आई ए टी एयरलाइंस का ग्रुप सो अ ट्रेड एसोसिएशन एंड विच एसोसिएशन पॉलिटिकल नहीं कंट्री से लड़ाई नहीं रखनी ट्रेड इनको ट्रेड से मतलब है यार ट्रेड से मतलब है कुछ सिविल पॉलिटिकल डिफेंस से मतलब नहीं है 1945 में बना था और ये एक कार्टल है जैसे ओपेक कंट्रीज है ना ऑर्गेनाइजेशन और, ऑफ और पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज वो भी कार्टल है एक कार्टल मतलब ग्रुप है भाई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ और पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज पेट्रोल डीजल का कॉस्ट बहुत कम ना हो जाए तो तुम सस्ता मत बेचना यार तुम सस्ता मत बेचना मिल मुल के हम सबको एक मिनिमम प्राइस बेचेंगे क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस सिमिलरली दिस बॉडी दैट इज आई ऑल एयरलाइन सिटिंग टूगेदर कमरे में बैठ जाओ सारे लोग सुनो मेरी बात हमें कॉस्ट हमें एयर टिकट चीप नहीं करना है चीप कर भी सके तो नहीं करना है तो दट इज अ ट्रेड एसोशन ऑफ दिसके डन गो नेक्स्ट कब बना था ये आई ए टी ए कब बना था अभी तो बताया यार तुम्हें जस्ट नो आई टोल्ड यू कब बना था एटीएस एटीएस तो तुम्हें बताइए ATS. What is ATS? Air Traffic Services. What do you think? ATS, Air Traffic Services. आते तो हैं सारे ATS. जितने भी ATS हैं सब YouTube पे आते हो गए हैं आजकल. जब से Airport Authority के exam निकला है, हर ATS जितने भी हैं, सारे YouTube पे हैं आजकल. अगर आप पूछो ATS क्या काम करता है, सर YouTube के video बनाता है. वो सारे बना तो रहे हैं, information दे नहीं रहे हैं हमें. So Air Traffic Services is the service which regulates एंड असिस्ट एयरक्राफ्ट इन रियल टाइम टू एंश्योर अंदर बैठेंगे, जहाज टाइम पे, पे जाए और वो सारा उसकी प्रोटेक्शन ना हो जाए तो अगर YouTube पे सर आप वीडियो बनाते रहोगे तो कुलीजन हो नहीं जाएगा पीछे से हाँ तो भाई वीडियो मत बनाओ उसके प्रिवेंट कुलीजन बिटवीन एयरक्राफ्ट प्रोवाइड एडवाइस टू सेफ एंड एफिशियंट कंडक्ट ऑफ फ्लाइट

And within the ambit of air traffic management comes everything. So all the terms are part of ATM. What is the main purpose of ATC? So what is the main purpose of ATC? Sir, main purpose of ATC is what? I told you to make YouTube videos on Airport 30F India exam. That is the main purpose of ATC. एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल का काम क्या है दैट इज टू प्रिवेंट ग्राउंड बेस्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हु डायरेक्ट एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड एंड थ्रू कंट्रोल्ड एयर स्पेस प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज टू दिस पर्टिकुलर पीपल सो पायलट के साथ जो बात करता है ना पायलट के साथ ओके 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 नाउ दिस इज दिस इज वट इज टू बी डन दैट ए ही करता है एंड प्रिवेंटिंग द दुलीजन ऑल्सो ज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ए टीसी वर्ल्ड वाइड इज टू प्रिवेंट दुलगेनाइज एक्सपीर फ्लो ऑफ ए ट्रैफिक प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट टू पायलट सो हू टॉक्स दायलट ए टी सी ओके विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज आर ग्लोबल एयरलाइन बॉडीज तो एयरलाइंस की भी तो अपनी बॉडीज बनी हुई है ना उनका भी तो ग्रुप बना हुआ है फॉलोइंग बॉडीज इज ग्लोबल एयरलाइंस एज इट्स मेंबर कौन सी बॉडी है वो आई ए टी ए इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक एसोसिएशन एज ए टोल्ड यू दिसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड एयरलाइन वोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है क्या इज इट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये तो जॉब लिख रहे, है तो रहे हैं इसी का तो एग्जाम लिख रहे हैं हम वी आर फाइटिंग फॉर द एग्जाम ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ओनलीके it is the statutory body which is created under airport authority of india act 1994 and it is working under ministry of civil aviation government of india and it is responsible for creating upgrading maintaining managing civil aviation infrastructure in india infrastructure is the main thing so whenever new airport will be created Whenever new airport will be created, infrastructure will be created. So Airport Authority of India as a body will come into picture. And it is statutory because it was created by Airport Authority of India Act 1994. It is working under Ministry of Civil Aviation. Okay, what is the main function of Airport Council International? Can you tell me that? What is the main function of Airport Council International? ए सी आई एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल कैन यू गैस यस ग्लोबल ट्रेड नो रीड डिटेल अबाउट एस आई सर एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल इज अ ग्लोबल ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्ल्ड एयरपोर्ट अथॉरिटीज अब ये किसका रिप्रेजेंटेटिव है दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव नॉट ऑफ एयरलाइन बट ऑफ एयरपोर्ट दे आर डिफरेंस आई ए टी ए आई ए टी ए इज द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ एयरलाइंस कॉमर्शियल आईसीए फादर इंटरनेशनल सिविल एविएशन से रिलेटेड मेन बॉडी एसीआई ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटीज द पीपल लाइक जीएमआर जी वी के दोन में बड़ा था इंटरेस्ट एंड इट बेसिकली टॉक्स अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ एयरपोर्ट ऑपरेटर्स विद द गवर्नमेंट लाइक आई टोल्ड यू delhi airport bombay airport are joint venture between the government airport authority of india and private players so the interest of private players are to be taken care of some body which is aci okay it develops the standard policies recommend the practices for airports provides the information and training opportunity to raise the standard around the world it aims to provide public a safe, secure, efficient, environmentally responsible air transport system. Okay, ACI World is located in Montreal. So where is this ACI located? In Montreal, Canada. You understand? So this is the main thing. And it is uh, basically it uh, works with ICAO and it is a member of Air Transport Action Group.

कम बहुत ज्यादा फॉग है विजिबिलिटी लेस टू 200 मीटर इवन देन यू कैन कैट थ्री लेवल पे कैट थ्री बी लेवल पे यू कैन एंटर सो कैट थ्री बी लेवल सो दिल्ली हैज बीन अपग्रेडेड टू कैट थ्री बी लेवल वेन वॉज द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया फाउंडेड आई डू नॉट नो सर सो नाउ यू नो फर्स्ट अप्रिलीन नाइनटी हुआ था फर्स्ट अप्रैल पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वॉज गिफ्ट आई गिव टू वर्ल्ड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज वॉट मिनी रत्न महारत्ना नवरत्ना गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वट इज दिस सर दिस इज मिनी रत्न ओ आई वॉज थिंकिंग दिस इज महारत्ना इट इज दो नॉट इवन नवरत्न सो आई विल नॉट जॉइन नाउ इट सर मिनी रत्न आई डोंट वॉन्ट आई वॉन्ट महारत्ना कोल इंडिया इज महारत् so there for employee it is nothing related to i mean you want mini ratna maharatna for employee it is immaterial in which of the following places national institute of aviation management and research is located where is this located i don't know sir it is located in delhi there are training centers airport authority of india has four training centers what are they सिविल एविएशन ट्रेनिंग कॉलेज इलाहाबाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मैनेजमेंट एंड रिसर्च डेली फायर ट्रेनिंग सेंटर्स डेली एंड कोलकाता सो आर आर द बॉडीज व्हिच रिलेटेड हियर व्हाट इज डेजिनेशन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नाउ आई डू नॉट नो सर चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन होता है राइट एंड अरविंद सिंह इज द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पेरेंट ऑर्गेजन कौन सा है डीजीसी डीजीसीए किसके अंदर आता है किससे रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं सीसीए से सीए से राइट सो दिस इज वॉट इज रिक्वायर्ड हुयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अभी तो बताया राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट अथॉरिटी द नेगनेक्स सेवनटीन टू शिकागो कन्वेंशन annexer 17 chicago convention which body was mentioned sir bcas b c a s is the appropriate authority for implementation of annexer 17 what is annexer 17 of chicago convention sir it is related to security and bcas may s kya hai? security right so this is the bureau civil aviation security bureau of civil aviation security and security annexer 17 me mentioned hai. ऑफ इंटरनेशनल सिविल एवियशन ऑर्गेनाइजन ऑफ सिविल एविशन आईसीए शिकागो कन्वेंशन किसने दिया आईसीए ने एन एक्शन सेवनटीन क्या है सिक्योरिटी विच बॉडी इन इंडिया इंप्लीमेंट दैट बी सी एस बीसी अंडर आता है अभी तो बताया था मिनिस्टर ऑफ सिविल एवियन अटैच ऑफिस वेवरि डन दैट रेगुलटरी बॉडी कौन है विच ऑफ द बॉडी इज द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ सिविलाइजेशन इन इंडिया का यूएसए में क्या नाम है ओके अर्लियर नेम क्या था सी एव डन दैट आई थिंक वी एव डन दैट डन दैट डन दैट डन दैट ओके नॉट डन चेक इन कर जाओ भाई चेक इन कर जाओ अपना सामान अपना सामान चेक इन कर जाओ नई चीज ऐड हुई है इस बार सिलेबस में तो चेक इन करवाएंगे आपको एग्जाम में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेक इन सर चेक इन मींस सिक्योरिटी प्रोसेस बोर्डिंग प्रोसेस एंटरिंग द टर्मिनल क्या गैस इट कैन यू गैस द मीनिंग ऑफ चेक इन ओके सर चेक इन मींस दिस पैसेंजर्स आर एक्सेप्टेड बाई एयरलाइन

चेक इन को साथ ले जाओ समथिंग लाइक दैट सो दे विल टेल यू तो जहां पे आपने अपना सामान दे दिया जहाज में डाल दो और इसको मैं साथ ले जाता हूं कैरी बैग है ये इसको मैं चेक इन कराऊंगा साथ में तो वो आपका सारा चेक इन है सिक्योरिटी चेक के टाइम पे क्या चाहिए भाई तुम्हारा सिक्योरिटी चेक इन के टाइम पे क्या चाहिए कपड़े वपड़े तो सारे उन्होंने उतार लेंगे तुम्हारे तो चेक इन के टाइम पे और तुम्हारे पास क्या होना चाहिए बोर्डिंग पास भी चाहिए आईडी प्रूफ भी चाहिए अब ये सिक्योरिटी चेक के टाइम पे आपका पुलिस वाले होते हैं कौन सी पुलिस वाले दिल्ली पुलिस मुंबई पुलिस पंजाब पुलिस सी एस आई एफ सी आर पी एफ बी एस एफ इंडियन आर्मी कौन सी होती है बताओ विच पुलिस इज देयर एट द टाइम ऑफ चेक इन सर बोर्डिंग पास इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बोर्डिंग पास कौन देता है सिक्योरिटी चेक इन के टाइम पे चेक इन के टाइम पे बोर्डिंग पास मिलता है बोर्डिंग पास एंड आईडी सी आई एस एफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स विच टेक्स केयर ऑफ एयरपोर्ट सी आई एस एफ के जवान आपका एयरपोर्ट के टाइम पे सिक्योरिटी देखते हैं कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं ये सर दे आर अंडर मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री पुलिस भी होम मिनिस्ट्री के अंडर ही आती है आईपीएस बनोगे व्हेन यू विल बिकम आईपीएस फर्स्ट यू विल बिकम एटीसी

गार्डिंग सेंसिटिव गवर्नमेंट बिल्डिंग्स दिल्ली मेट्रो को भी यही देखता है और भी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज को जो बिल्डिंग्स हैं उनको गार्ड करते हैं ए आर एफ एफ गैस मारो जस्ट गो फॉर गैस वर्क वैसे भी तो इतनी देर से गैस ही मार रहे हो जो गो फॉर सम गैस वर्क गो फॉर सम गैस वर्क एंड टेल मी व्हाट इज दिस बॉडी Tell me what is this body. Okay. Okay, sir. ARFF is Airport Rescue and Firefighting. And this service is provided at 67 airports. This is fire rescue services and provided as per guidelines of International Civil Aviation Organization and DGCA, Director General of Civil Aviation which body is responsible for national civil aviation security which body is responsible for that national civil aviation security sir bcas abhi to tha yaar, national civil aviation security hai just now i did it why you are asking again and again which of the following is largest airline in the world इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग सबसे बड़ी एयरलाइंस का नाम बताओ इंडिगो गो एयरलाइन किंगफि माल्या साहब की किंगफिशर विच वन इज द इंटरनेशनल पूछ रहा हूं सबसे बड़ी डेल्टा अमेरिकन है अमेरिकन एयरलाइंस भी अमेरिकन है कतार चाइनीज ओके बी अमेरिकन एयरलाइंस याद रख लेना इसमें ट्रेवल करना है तुम्हें यू वॉन्ट टू ट्रेवल इन दिस राइट सो वंस यू बिकम एटीसी यू आर टू ट्रेवल इन दिस अमेरिकन एयरलाइन अंदर बैठ के देखना सबसे बड़ी है ये सो यू विल सी दैट अब देखो भाई साहब ये ये है कितने पैसेंजर ट्रेवल करती है देखो झंडा देख लो झंडा ऊंचा रहे हमारा यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड स्टेट्स सो विच आर द फोर लार्जेस्ट एयरलाइंस इन द वर्ल्ड अमेरिकन एयरलाइन डेल्टा एयरलाइन साउथ वेस्ट एयरलाइन यूनाइटेड एयरलाइंस अमेरिकन एयरलाइन डेल्टा एयरलाइन साउथ वेस्ट एयरलाइन यूनाइटेड एयरलाइंस दे आर ऑलवेज इन न्यूज इफ यू गो टू यूएस यू विल ट्रेवल नॉट इन बैलगाड़ी नॉट इन बस और ट्रक यू विल ट्रेवल इन एयरलाइंस बिकॉज दट इज वेरी मच अफोर्डेबल देन आयरलैंड का रियान एयर चाइना का चाइना सदर एयरलाइंस लुफ्तानसा जर्मन की है चाइना की आई ए जी ग्रुप ऑफ दीज थ्री कंट्रीज सो चाइना जर्मन दीज आर दंट्रीज ट्रेवलिंग कितने लोग ट्रेवल कर रहे हैं ओके नाउ नॉट द टर्मिनल विच इज न पार्ट ऑफ टर्मिनल टर्मिनल में क्या नहीं आता गेट तो आते होंगे सर लॉन्च भी आता होगा रनवे भी आता होगा कन कोर्सिस क्या चीज हो गई ये क्या बीमारी है सो so, रनवे नहीं आता सर टर्मिनल में नहीं आता रनवे तो सर वहां है जहां पे रन करना है मेरे को वेयर आई एम टू रन इन द मॉर्निंग नॉट दैट इज अ रनवे रनवे इज जहां पे एरोप्लेन इज टू रन लैंडिंग एंड लिफ्टिंग दैट एवरीथिंग इज बेसिकली द रन वे कई गेट होते हैं uh, जहां पे दिस इज दिस इन लार्ज टर्मिनल गेट एरियाज में भी डिवाइडेड इनटू सेक्शन कनकोर्सिज फिल्ड विद डाइनिंग शॉपिंग लॉन्च जहां खाने पीने का सारा तुम घूमना मंडराना मनर, चाहते हो दैट इज कॉल्ड दैट इज इन द एरिया बेसिकली एंड टर्मिनल इज वेयर दे परचेज द टिकट एंड चेक इन फ्लाइट एवरीथिंग दैट इज बेसिकली द टर्मिनल सो वट इज द टर्मिनल फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू विल नॉट प्रोवाइड ऑन बोर्डिंग पास बोर्डिंग पास आप देखोगे तो सीट नंबर होता है चेक इन सिक्योरिटी गेट भी होता है बोर्डिंग गेट भी होता है बोर्डिंग टाइम होता है क्या नहीं होता बताओ चेक इन में जो आपका बोर्डिंग uh, पास है उसमें क्या नहीं होता सो सिक्योरिटी चेक इन गेट नहीं होता बोर्डिंग गेट होता है सिक्योरिटी चेक इन गेट नहीं होता सिक्योरिटी चेक इन गेट होता ही नहीं है सिक्योरिटी चेक इन का कोई नंबर नहीं होता गेट नहीं होता है सिक्योरिटी चेक इन वो पुलिस वाले नजर आ रहे हैं सी एस एफ आई वाले वो आपके पैक, चेक करेंगे आपके सामान को सो सो स्क्रीनिंग होगा वहां पे सिक्योरिटी चेक इन गेट गेट इज नथिंग लाइक फ्लाइट टर्मिनल इज समाइम्स इंक्लूडेड इन योर बोर्डिंग पास अलॉन्ग विद गेट नंबर वेन यू चेक इन राइट सो इट हैज सीट नंबर इट हैज गेट नंबर बोर्डिंग टाइम मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्मिनल्स किसके हैं भाई कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल सबसे ज्यादा हैं कहां पे ओके okay, सर ये एल ए एयरपोर्ट लॉस एंजलिस एयरपोर्ट के टर्मिनल सबसे ज्यादा टर्मिनल हैं नाइन टर्मिनल है भाई जाना पड़ेगा यहाँ पे ये नौ टर्मिनल जाके गिनोगे एक दो तीन चार पांच नाइन टर्मिनल चेक इन इज द प्रोसेस चेक इन होता क्या है वट इज द प्रोसेस ओके तो हमने कर लिया यार वी डिड इट which of the following body provides directions related to airport security? airport security is related to consi body, bcs. we have done it. where is the fire service training center? i think we have already discussed this. where is the fire service training center located? new delhi and kolkata. new delhi and kolkata, may. these are located. air india was founded in which year? i don't remember. i was not born that time. do you remember? were you born? लेकिन ये देखो एयर इंडिया एयर इंडिया यू सी दिस सी दिस नाइनटीन फोर्टी सिक्स विस्तारा टाटा की है रिसेंटली विस्तारा बनी है आपने भी देखा होगा एयर एशिया इंडिया चीप इंडिगो सबसे ज्यादा चल रही है गो एयर सबसे ज्यादा कौन चल रही है इंडिगो कॉमर्शियल में डोमेस्टिक में सबसे ज्यादा काम खींच के रखा है इंडिगो ने विस्तारा विस्तारक टाटा साहब की है राइट सो एयर इंडिया 1946 इसका इनिशियली नाम क्या था यार इनिशियली एयर इंडिया का नाम क्या था वट वॉज द नेम अच्छा ऐसा बताओ कौन कौन सा नाम नहीं हो सकता टेनमी विच नेम यू थिंक कैन नॉट बी वही नाम इसका है जो तुमने सोचा नहीं हो सकता है एयर इंडिया वॉज हिमसेल्फ पायलट और उन्होंने पहला ये जहाज उड़ाया था कराची से उड़ाया था भाई साहब कराची से बॉम्बे उन दिनों कराची क्या था 1932 में कराची इंडिया का पार्ट था राइट right? सो so, ऐसे उन्होंने उड़ाया था फिर मद्रास तक चले गए थे उन्होंने बोला आज पूरा दिन यार जहाज़ उड़ाएंगे आज कराची चलते हैं फिर बॉम्बे चलते हैं फिर मद्रास चलते हैं फिर वहां पे इलेक्शन चल रहे हैं आज कल जाके आते हैं दैट इज टाटा साहब थॉट ओके सबसे कौन सा एयर इंडिया का सबसे बच्चे कौन से हैं एयर इंडिया के बताओ गेस करो एयर इंडिया के बच्चे कौन कौन से हैं ओके okay, सर बच्चे हैं ये दो बच्चे पैदा किए एयर इंडिया ने अलायंस एयर एयर इंडिया एक्सप्रेस अलायंस एयर एयर इंडिया एक्सप्रेस एयर इंडिया का मास्कट कौन है महाराज महाराज तो गरीब ही होते हैं हमेशा जैसे इंडिया के महाराज नहीं थे दिखावा ज्यादा पैसे कम वैसे ही एयर इंडिया लॉसेस में चलता है तो कई बार उसमें एम्पर तो है महाराजा तो है लोगो फ्लाइंग स्वैन एंड लोगो कंसिस्ट ऑफ अ फ्लाइंग स्वैन विद व्हील ऑफ कोनार्क इन साइड से उठाया है

उ कम टू एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सर बंद कर दो अब मैं इरिटेट हो गया इतनी लंबी क्लास भी होती है क्या अरे भाई एटीसी नहीं बनना है क्या बाद में तो, यूट्यूब तो बनाने हैं वंस यू बिकमसी टू मेक यूट्यूब राइट सो लर्न हाउ यूट्यूब आर टू बी मेड सो दिस इज दार्ट ऑफ दैट सो यू जस्ट समराइज एवरीथिंग डिस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यस बेस्ड इन वॉट this is france the salt aviation is french aircraft manufacturing company okay done airbus european boeing american Rafale fighter jets are manufactured by what sir yehi to hai dassault hi to banata hai dassault se to liye humne Rafale हमने Rafale लिया और भाई साहब we found proud. पूरा इंडिया proud हो गया कि हमने खरीद लिया खरीद लिया Nobody can purchase. रफाल वी परचेज पाकिस्तान कैन नॉट परचेज नेपाल कैन नॉट परचेज भूटान कैन नॉट परचेज वी आर द प्राउड इंडिया वी आर द नेशनल सुपर सुपर लीडर वी परचेज रफाल फ्रॉम राइट? वट इज द रिस रफाल डसॉल्ट मीन गस्ट ऑफ विंड वस्ट ऑफ फायर राइट फ्रेंच का है ये एयरबस बोइंग नो बडी कुड रिप्लेस Commercial large commercial aircraft. They are the large commercial airlines. Large commercial airlines. Airbus, Boeing. Who is going to give the competition to them? Who is going to give competition to them? Okay, sir. Who is going to give competition to them? Comac and UAC. Comac and UAC are working on a series of new. बेसिकली वेंचर्स where they want टू गिव competition टू Airbus and Boeing बोइंग इन लार्ज जेट स्पेस एंड and UAC Comac and UAC याद कर लेना नाम नेशनल सिविल एविएशन सिक्योरिटी के लिए अरे यार क्यों बार बार क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि एग्जाम में आना होगा इसलिए शायद बार बार क्वेश्चन आ रहा है आई थिंक बार बार इसीलिए आ रहा है क्योंकि एग्जाम में आना है तो मैंने एंड भी यहीं पे किया आई थिंक बंद हो गया क्या ओके okay. इतना छोटा सा लेक्चर आई डोंट नो How it is 130 slides. Okay, I will share all these slides with you guys. Just revise it. Believe me, if you are serious about airport operation, do not miss the ebook launched by the great Europedia education platform for your preparation. I will keep on coming, popping up with such videos, recap videos on these terms. Date has still not come that moment. Date will come. I will. Spring up and start giving you more such questions and keep enjoying the physics classes also, uh, which we are running nowadays. Yes, uh, the ebook for physics is also very important. So, enjoy it. Let's crack this exam. Thank you.